और यहाँ पे दो पॉइंट ने 2 पॉइंट इकट्ठा किया अपनी टीम को और नजदीक पहुंचा दिया है। जहां पर 3 पॉइंट से आगे थी वहां पर अभी 1 पॉइंट से आगे है देवन मऊ। 7 और 8 है देवन मऊ और 7 है गनेडी। यहां पर स्कोरर भाई है, स्कोरर भाई का क्या नाम है? मोहम्मद इरशाद भाई स्कोरिंग कर रहे हैं। 8 और 7 स्कोर सही है ना? 8 है देवन मऊ और 7 है देवन मऊ। 8 ड्रिंक्स इंटरवल हुआ है। सिंपटी रेट जाती हुई थी। बेहतरीन मुकाबला आप देख रहे हैं गनईडी के बगिया के ग्राउंड से। स्कोर है 8 और 7। दीपू गए हैं रेट पर। और हालांकि दस गनईडी और 8 है देवन मऊ। 3 2 पॉइंट से आगे 10 और 8 2 पॉइंट से आगे हो गनईडी टीम। 2 पॉइंट से जो मेजबान थे वो 2 पॉइंट से आगे हैं, मेहमान 2 पॉइंट से पीछे हैं। 2 पॉइंट से आगे हो चुकी है गनईडी की टीम। क्या मस्त मैच आप देख रहे हैं, क्या जबरदस्त मैच। खुर्शीद गए हैं गनईडी के पाले में। इन्होंने एक सुपर रेट लगाई थी और एक सुपर रेट इधर से लगाई है दीपू ने। स्कोर है 10 और 8। बोनस 9 10 और 9 स्कोर है सर। और यहाँ पर 11 है गनईडी, 9 है देवन मऊ। पिछड़ने के बाद पलटवार करती हुई गनईडी की टीम। और यहाँ पर फिर से गनईडी 14 और 9 का स्कोर है। गनईडी 14 अंक, कांग्रेचुलेशन गनईडी 14 अंक। कैप्टन बहुत अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं। दीपू मिश्रा का खेल भी बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन। जैद गए हैं गनईडी के पाले में देवन मऊ की तरफ से। और फिर से तीन सुपर रेड, सुपर रेड मोहम्मद जैद की सुपर रेड। वाव स्कोर हो गया है 12 और 14। 12 गनईडी 14 देवन मऊ 12 और गनईडी 14। 2 पॉइंट से लीड है गनईडी के। सुपर रेड लगाया गया है जैद की तरफ से, सुपर रेड लगाया गया है। गनईडी का प्लेयर गया है देवन मऊ के कोर्ट में। 2 पॉइंट से आगे है गनईडी की टीम। 2 पॉइंट से आगे है गनईडी की टीम। स्कोर है 14 और 12। इम्पटी रेड जाती हुई फिर से एक बार जैद, जिन्होंने अभी सुपर रेड लगाई थी। देखते हैं इस रेड में क्या करते हैं जैद। और यहां पर इस बार फिर से 1 पॉइंट लेते हुए, 1 पॉइंट स्कोर है। 1 पॉइंट का मात्र अब अंतर रह गया है। 13 और 14 चौदह है गनईडी और 13 है देवन मऊ। 14 है गनईडी, 13 और देवन मऊ। और फिर से अब 2 पॉइंट का अंतर।
फिर से दो पॉइंट का अंतर, पॉइंट का अंतर 16 और 14 पंद्रह और 13 का स्कोर है, 15 और 13 का स्कोर है, दो पॉइंट से आगे है गनेडी की टीम। और यहां पर फिर से एक पॉइंट जैद का शानदार प्रदर्शन, एक पॉइंट की मात्र बढ़त है, एक पॉइंट से आगे है गनेडी की टीम। दीपू मिश्रा इस समय रेड पर, और यहां पर फिर से एक बोनस 17 और 14, 17 किसका है? गनेडी। 17 गनेडी, हाँ, 14। अच्छा 17, 3 पॉइंट की लीड है। ये देखिए रेडर सेफ, देवन मऊ 15 गनेडी 17, देवन मऊ 15 और गनेडी 17, दो पॉइंट से आगे है गनेडी। दीपू मिश्रा गए हैं, दो पॉइंट से इनकी टीम आगे है। और यहां पर इस बार बहुत ही शानदार टैकल, इस बार इनका टैकल हुआ है दीपू मिश्रा का, तो इस बार अब एक पॉइंट से आगे गनेडी, एक पॉइंट से आगे गनेडी टीम। खुर्शीद गए हैं, हालांकि उनके गनेडी टीम के पास केवल दो खिलाड़ी और उनके पास ऑल आउट होने का खतरा मंडरा रहा है। खुर्शीद गए हैं, क्या इस रेट में सुपर रेट लगाकर ऑल आउट करते हैं? गनेडी की दो पॉइंट की लीड है अभी। हाफ टाइम और सुपर रेड। आइए स्कोरर से जानते हैं स्कोर क्या है। हाफ टाइम हो गया ना, हाफ टाइम 20 मिनट का गेम बाकी है, चार पॉइंट से आगे है गनेडी, चार पॉइंट से आगे है गनेडी। यहाँ का जो लोकल लोग है काफी खुश है, चार पॉइंट से आगे है गनेडी, लोकल लोग काफी खुश है, बहुत खुशी है, लोकल लोगों में बहुत ही खुशी का उत्साह है, क्योंकि उनकी लोकल टीम है, उनके गांव की टीम है, और आज वो चार पॉइंट से आगे हैं। बहुत ही बेहतरीन खेल दिखाया इस गनेडी के खेल प्लेयर्स में देख रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन। इन लोगों ने सुपर रेड की बौछार कर दी है, और ख़ासकर जो खुर्शीद का टैकल किया गया था उसने मैच में टर्निंग पॉइंट साबित किया है। खुर्शीद का टैकल यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही ज़बरदस्त टैकल खुर्शीद का हुआ था। खुर्शीद का जो टैकल हुआ था उससे मैच में यहाँ पर एक बदलाव आया है, और यहाँ पर देख रहे हैं गनेडी टीम पूरी तरह से हावी हो चुकी है, चार पॉइंट से आगे है इस समय। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उसमें खुशी का माहौल है और एकदम उत्साहित हैं। अब इस समय ऑल आउट का खतरा मंडरा रहा है देवन मऊ टीम पर, देखते हैं क्या होता है। 20 मिनट का खेल बचा हुआ है अभी, और इधर से गनेडी का रेडर पहुंच गया देवन मऊ की कोर्ट में, और तीन खिलाड़ी मात्र देवन मऊ की कोर्ट में बचे हुए हैं इस समय। तीन खिलाड़ी मात्र बचे हुए हैं, जानना चाहेंगे स्कोर। 26 और 16, 10
10 अंकों की बढ़त है, 26 और 16, 26 है इस समय, 26 है गनई डी का, 26 है गनई डी का और 16 है देवन मऊ का, 10 अंकों से आगे है इस समय गनई डी की टीम, बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है, बहुत ही बेहतरीन मुकाबला आपको देखने को मिल रहा है। और इन खिलाड़ियों को देख रहे हैं, ये ऐसे खिलाड़ी है कि जिन्होंने तहलका मचा के रखा है, बड़े बड़े खिलाड़ियों में, जिधर मेराज है, खुर्शीद है, सिब्बू है, प्रियांशु है, जैद हैं, इन सभी खिलाड़ियों को हालत पतली कर दी है इन नन्हे मुन्ने खिलाड़ियों में। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप मैं इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और शेयर कर दीजिए, जिससे बेहतरीन कबड्डी आपको पूरी दुनिया देखने को मिले। तो इस समय हाफ टाइम का खेल खत्म हो चुका है, 26 और 16 का स्कोर है, 26 है गनई डी का और 16 है देवन मऊ का। हालांकि आपको इस देवन मऊ टीम में काफ़ी स्टार खिलाड़ी देखने को मिलेंगे, लेकिन गनई डी के जो एकदम देसी खिलाड़ी हैं आज इन पे भारी पड़ रहे हैं। अच्छा लगेगा आप लाइक कर दीजिए, तुरंत लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब करिए चैनल को। खुर्शीद गए हैं गनई डी के पाले में, 26 और 16 का स्कोर है, 26 है इस समय गनई डी और 16, और ये फिर से खुर्शीद का टैकल,